आप देख रहे हैं BHBC News। नमस्कार, BHBC News में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन देबाक और ये रिपोर्ट भेजी है पुंछ राजौरी से अनिल भारद्वाज जी ने। कातिल लोगों को पकड़कर सजा की मांग को लेकर सोमवार को डागरी हत्याकांड के पीड़ित व क्षेत्रवासी एक बार फिर सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरे। पीड़ित हत्याकांड में मारे गए अपनों की फोटो के साथ मार्च करते हुए जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे 144A और 144B सड़क पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने हाईवे को जाम कर दिया और लगातार नारेबाजी और इंसाफ की मांग की। लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर वहां जाम कर दिया। इस दौरान मार्ग के दोनों ओर जाम की स्थिति लगातार बनी रही। मौके पर आए अधिकारियों ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर दोपहर बाद तक अड़े रहे। राजौरी कालाकोट के अंतर्गत डांगरी राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू पुंछ के अंतर्गत मुरादपुर वर्कशॉप पुल सड़क चौराहे को अवरुद्ध कर दिया। राजौरी जिला प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन व नारेबाजी होती रही। लोगों ने बीते माह भी 2 अप्रैल को भी इंसाफ के लिए कैंडल मार्च निकाला था और इंसाफ की गुहार लगाई थी, लेकिन जांच पड़ताल अब तक शून्य रही है, जिसके चलते लोग गुस्से में हैं और पीड़ित लोगों ने जम्मू कश्मीर LG प्रशासन पर लापरवाही का बड़ा ठप्पा मढ़ दिया है। लोगों का कहना था कि जब से LG प्रशासन का राज आया है, तब से हम लोगों को नुकसान पर नुकसान झेलना पड़ रहा है। पीड़ित लोगों ने कहा है कि हत्याकांड को 6 महीने बीत गए हैं, लेकिन अब तक न तो आतंकी हत्यारों का पता लग पाया है और न ही उनको पनाह देने वाले लोगों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा है कि आखिर कब उन्हें इंसाफ मिलेगा? वो कौन आतंकी थे जिन्होंने गोलीकांड को अंजाम दिया और वो कहां छुपे हैं? अब तक उन्हें खत्म क्यों नहीं किया जा सका है? प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिए जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। वहीं राजौरी पुलिस के जिला चीफ व जम्मू कश्मीर प्रशासन के आला अधिकारियों के आश्वासन पर प्रदर्शनकारी शांत हुए। लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग उग्र आंदोलन और प्रदर्शन करेंगे, जिसका जिम्मेदार खुद प्रशासन होगा। लोगों का गुस्सा शांत होते ही यातायात को बहाल कर दिया गया। वहीं लोगों ने बीते माह राजौरी के कंडी व पुंछ के भाटा दुड़िया राष्ट्रीय राजमार्ग पर आतंकियों द्वारा हमला कर जवान को शहीद कर दिया, लेकिन आतंकियों ठिकाने नहीं लगाया जा सका, जिसका हमें बड़ा दुख है। बता दें, इस साल 1 जनवरी को राजौरी के डांगरी में आतंकवादियों ने दोहरे हमले को अंजाम दिया था। इसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हुई थी और 9 अन्य लोग घायल हुए थे। उसके अगले ही दिन 2 जनवरी को हमले की जगह के पास एक IED विस्फोट हुआ, जिससे घटना स्थल पर ही 2 बच्चों की मौत हुई और 4 अन्य घायल हो गए। उपचार के दौरान घायलों में से एक और ने दम तोड़ दिया, जिसके साथ सामूहिक हत्याकांड में शहीद 2 बच्चों समेत कुल 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। वहीं इससे पहले राजौरी के फलियाना सेना क्षेत्र में भी 2 सेना के निजी हेल्पर की गोली लगने से मौत और एक अन्य घायल हो गया था। पीड़ित परिवार आज भी इंसाफ के लिए गुहार लगाने के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन इंसाफ आज तक नहीं मिल पाया है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।